अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन मैक्रोनी, जिसके लिए मैंने मैक्रोनीस 2 कप ली हैं और बॉईल कर ली हुई हैं। गाजर है 2 अदद, क्रश की हुई है, बॉईल नहीं है, क्रश की हुई है। शिमला मिर्च है 2 अदद, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया हुआ है। लहसुन की तुरी है 3 से 4 अदद, मैश की हुई। बंद गोभी है, ये आपका टेस्ट है, आप ज़्यादा डाल सकते हैं या जितना आपको मुनासिब लगे उस तरह। हरी मिर्च 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई। चिकन श्रेड कर लिया हुआ है, 3 से 4 पीसेस हैं जिसको मैंने श्रेड किया हुआ है। चीज़ है, प्याज 2 अदद बारीक कटे हुए, रेड चिली, नमक आपके जायके के मुताबिक, ब्लैक पेपर ये भी आपके जायके के मुताबिक है, और 1 कप ऑयल। अब हम इन सब चीज़ों को तैयार करते हैं और फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म कर लिया है, इसमें आप सबसे पहले लहसुन ऐड कीजिए। लहसुन ऐड होने के बाद गाजर को आपने ऐड करना है, क्योंकि गाजर थोड़ा सा फ्राई होने में टाइम लेती है। गाजर को ऐड कर लिए। गाजर फ्राई होने के साथ आप इसमें हल्का सा नमक ऐड कीजिए, काली मिर्च, रेड चिली। मैं सब चीज़ों को जब फ्राई करती हूँ तो उनके स्पाइसेस अलग अलग उनमें टर्न बाय टर्न डालती हूँ। एकदम से सारी वेजिटेबल डालने से और सब स्पाइसेस डालने से ऐसा होता है कि चीज़ का टेस्ट जो होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, वो वैसा नहीं रहता जैसा आप चाह रहे होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर दीजिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, अब हम थोड़ा सा नमक फिर से डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ा सा आप सिरका ऐड कर दीजिए। ये प्याज 2 अदद कटी हुई है, हल्का सा नमक। ऐसा ना हो कि चीज़ें आप बार बार जब डालें तो उनकी क्वांटिटी इतनी रखें कि हर दफ़ा जब डालें तो ज़्यादा हो और वो एकदम हाइट पे जाके नमक और काली मिर्च आ जाए। आपने ऐसा करना है कि चुटकी बराबर, जैसे नमक चुटकी बराबर आपने ब्लैक पेपर। अब हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी, ग्रीन चिली, ये जो रेसिपी है ये काफ़ी आसान है, आप इसको इजीली बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसा ख़ास चीज़ नहीं है जो कि अवेलेबल ना हो कि हम मार्केट से कहाँ से लें क्या नहीं। ये सिंपल वेजिटेबल्स हैं जो घर पे अवेलेबल हो सकती हैं। अब आप इसमें डाल लें चिकन, जिसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, केसर, हल्का सा आप इस पर रेड चिली डालिए। ये तकरीबन जो चीज़ें मैं टर्न बाय टर्न डाल रही हूँ उनकी जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो 2 टीस्पून है रेड चिली की, 1.5 टीस्पून नमक बनेगा और 1 टीस्पून काली मिर्च बनेगी। मैं उसको क्योंकि टर्न बाय टर्न डाल रही हूँ इसलिए ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की चीज़ यूज़ हो जाए। ये देखिए अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, मिक्सचर। अब हम इसमें डालेंगे मैक्रोनीस। मैक्रोनीस को बॉयल करते हुए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल मिक्स किया है, इससे ये होता है कि मैक्रोनीस आपस में जुड़ती नहीं और बड़ी खिली खिली फ्लफी सी बन जाती है। ये देखिए अब हम इसको सारे को मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और हल्का सा लास्ट में आपने थोड़ा सा फिर इसमें नमक का टच देना है मैक्रोनीज के हिसाब में।
हल्का सा आपने काली मिर्च, इससे ये होगा कि मैक्रोनीज जो ऐड हुई है वो फीकी फीकी नहीं लगेगी आपको, और रेड चिली और थोड़ा सा सिरका। मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसके ऊपर चीज़ को रखेंगे। इसके मेल्ट होने के लिए हमें तकरीबन 5 मिनट तक इसको दम पे रखना है। मैक्रोनीज हमारी तैयार हो चुकी हुई है, खाएं, इंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।